नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से इंग्लिश टू टेक में। और आज हम बात करेंगे अ डिसअपॉइंटेड मैन्स के बारे में, जिसको लिखा है रॉबर्ट लेविंस ने। सो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के राइटर हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली राइटर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, तब जाके आप कोई सभी क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो कोई सभी क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे सब्जेक्टिव आता हो, तो आपको इसके जितने भी राइटर्स हैं इन सभी को एक जगह बैठ करके एक समय पर सारे के सारे एक साथ याद कर लेने, ठीक है? तब जाके आप इसके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे तो उसको दूर हो जाएंगे। सो यहाँ पर लिखा कि आ डिसअपॉइंटेड मैन, जैसे कि यहाँ पर इसके नेम से ही पता चले कि डिसअपॉइंटेड का क्या मतलब होता है, कि हताश होना या फिर निराश होना। कोई एक ऐसा मैन जो कि निराश हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अ डिसअपॉइंटेड मैन। सो रॉबर्ट लुइन के अनुसार क्या है डिसअपॉइंटेड का मतलब, सीधे सीधे रॉबर्ट लुइन क्या बताते हैं कि हम कभी भी निराश या हताश कब होते हैं, जब हम लोगों से बहुत ज़्यादा ऐसी कल्पनाएं या फिर उपेक्षाएं कर लेते हैं कि हमें बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा, ठीक है, अपने मन में हमने कोई अपने धारणा इस तरीके की बना ली कि हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा किसी भी लोग से या फिर किसी भी संसार की किसी वस्तु से। लेकिन हम लोग जब असलियत से परिचित होते हैं तो हमें उतनी अच्छी कोई चीज़ नहीं मिलती, तब हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। निराशा का यही एकमात्र कारण है रॉबर्ट लुइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, समरी पे चलते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि लिखा है कि अ ब्लाइंड मैन रिसीव्स हिज साइट, जब एक अंधा इंसान जो था, जब उसने अपनी आँखों को पाया, ठीक है, वो जन्म से अंधा था, उसने अपने ऑपरेशन के थ्रू, यहाँ पर लिखा ऑपरेशन से क्या, एक अपनी आइड्स को पाया, आई साइट्स को, तो उसने उसको क्या फील हुआ कि तो उसको खुश हो जाना चाहिए अपनी देख करके कि भाई कितनी अच्छा संसार है, कितना अच्छा सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो क्या डिसअपॉइंटेड, यानी कि वो निराश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखी थी संसार से कि इस तरीके का होगा, उस तरीके का होगी चीज़ें, लेकिन उसने उस तरीके की चीज़ों को नहीं पाया, तो फिर वो क्या निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, ठीक है। अमेज्ड वेदर ही वॉज नॉट हैप्पियर, और वो क्या हैप्पियर नहीं हुआ, वॉज ब्लाइंड, जब वो अंधा था तो उसने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कल्पनाएं करी थी अपने मन में। ही फाउंड बींग्स आर डिफरेंट शेप्स और अपीयरेंस, उसने क्या चीज़ें पाई, उसने पाया कि हर एक चीज जिसने भी अपने मन में उसने कल्पना करी थी क्या चीज थी, डिफरेंट थी, ठीक है। उसके बाद दे वर डिफरेंट फ्रॉम हिज इमेजिनेशन, वो सारी चीजें क्या थी, डिफरेंट थी उसकी इमेजिनेशन से, और एवरीथिंग वाज वेल शॉट, और हर एक चीज जो क्या थी, कम थी उसके, जिसने जितना अच्छा इमेज किया था अपने दिमाग में उसके अनुसार वो सारी इसकी सारी चीज़ें क्या शॉर्ट, यानी कि कम थी, ठीक है। इस ग्लोरियस इमेजिनेशन, उसके जितनी भी इमेजिनेशन थी मेड ऑफ देम, ही रियलाइज्ड कि उसको जो गिफ्ट मिला था स्लाइड्स का, कि उसको देख सकता था, उसको ये गिफ्ट मिला था, वो उसने सोचा कि ये केवल मेरा डिसल्यूजमेंट, यानी कि इसने केवल हमको निराश ही कर दिया है, इस गिफ्ट ने हमको केवल निराश करके रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पहला हमारा क्या है कि वन कैन इजली, नहीं सॉरी, यहाँ पर यह भी लिखा है कि वन कैन इजली अंडरस्टैंड इज मेंटल एग्नोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मेंटल एग्नोरी को उसको हर कोई आसानी समझ सकता है। वो क्यों निराश हुआ, तो सिंपली सी बात है कि उसको समझना बहुत ही आसान है। वो निराश इस वजह से हुआ क्योंकि उसने अपने मन में बहुत सारी अलग डिफरेंट टाइप की कल्पनाएं कर रखी थी संसार या दुनिया के बारे में, लेकिन उसने उतना अच्छा दुनिया को या नहीं पाया, तो फिर वो क्या चीज़ वो उदास हो गया था, ठीक है। उसके बाद में फिर पीपल्स एक्सपीरियंस द सेम सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट्स व्हेन दे सी फॉर द times with their eyes some things they had idealized in their imaginations, और जब लोग वही चीज़ लिखी है यहाँ पर कि जब कोई अपने मन में लोग कल्पना करते हैं उसके अनुसार नहीं चीज पाते हैं, तो फिर वो क्या हताश या निराश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि चिल्ड्रंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ को इमेजिनेटरी पिक्चर्स को देखने के लिए, ठीक है, कि एनिमल्स, जैसे कि उन्होंने मन में अपनी कल्पना करी कि हम हाथी को देखेंगे, शेर को देखेंगे, ठीक है, उन्होंने उतने अच्छी उतना अच्छा कल्पना करी। उसके बाद में जब वो उनको कब पता चलता है, जब वो असलियत में देखते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि अच्छा असलियत में तो ऐसा होता है, नहीं तो वो लोग इसको बस पिक्चर्स के थ्रू जानते हैं और अपने मन में कल्पना करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि वेरी बिग होते हैं, वेरी लिटिल, कोई भी चीज़ कोई छोटी होगी बड़ी होगी कैसे पता चलेगा, जब वो कोई चीज़ सामने आएगी तब तो पता चलेगा। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट पेज क्या है, चलिए चल, हमारे नेक्स्ट पेज में क्या है कि ये सो In order to appreciate the beauties of existing things, one has to get used of them. हर एक इंसान जो कि इसकी ब्यूटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए एक इंसान को, लेकिन वो कोई भी इंसान इस तरीके की अप्रिशिएशन किसी भी चीज़ को क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो गलत धारणा अपने मन में बना लेता है उस चीज़ के प्रति, या फिर ज़्यादा बड़ी काम धारणा को बना लेता है कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। फैमिली यहाँ पर लिखा है जैसे बीट्स कंप्लेंट्स बट ऑल्सो द बीट्स लाइक्स The possible that people are transported to middle ages in the imagination, but many people would be disappointed in the appreciation of the same things. Same वहीं पर ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट करी गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पीपल्स कैन अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली अभी तो ये बात हुई कि लोग क्यों निराश होते हैं, इस चीज़ के बारे में बताया रॉबर्ट लुइन ने, तो अब इसके बारे में बता रहे कि हम अपनी निराशा को या जितने भी हम लोग दुखी हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं, इसको ये चीज़ बताई थी, अब हमको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी निराशा को
दूर कर सकते हैं, इस चीज़ को क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि डिसअपॉइंटमेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपली इसकी इन्होंने यही एक ट्रिक बताई कि हमें जो दूसरों से आशा है बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, लोगों से यहाँ पर एक्सपेक्टिंग नहीं करनी चाहिए, रॉन्ग एक्सपेक्टिंग नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टिंग नहीं करनी चाहिए कि नहीं लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते लोग, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। टू ग्रेट एंटीसिपेशन इज ऑफ्टन द एनमी ऑफ द प्लेजर। जो यहाँ पर एंटीसिपेशन का इसका क्या मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षा करी जाती है लोगों से, बहुत ज़्यादा किसी से अगर हम इतना ज़्यादा किसी से हम उसको समझ लें कि नहीं हमको ये बहुत ज़्यादा कुछ देगा, ठीक है, तो और तो वो क्या होगा कि हमारे खुशी में बाधक होगा। अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ लें, किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा अपनी रख लें कि नहीं ये हमको इतना देगा, और उसके बाद में अगर इतना हमको नहीं मिलता तो वो क्या हो जाती है, हमारी इनमी ऑफ प्लेजर, यानी कि हमारे खुशी का क्या शत्रु बन जाती है वो सारी चीज़ें, कि लोगों की अपेक्षा क्या हो जाती है, हमारे इनमी ऑफ प्लेजर यानी कि खुशी के शत्रु बन जाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैरा क्या है कि एवरी ट्रेवलर, जो भी हमारा यहाँ पर लिखा है कि एवरी ट्रेवलर, हर एक जो ट्रेवलर होता है टूरिस्ट होता है नोन एज द समथिंग, और जो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो हर एक ट्रेवलर होता है या टूरिस्ट होता है, जब वो किसी स्थान को देखने के लिए जाता है तो फिर वो क्या सोच के जाता है, जैसे कि हमी को ताजमहल देखने के लिए जाना है, तो क्या कि हम सोच के जाएंगे ताजमहल इतना सुंदर होगा, ये होगा वो होगा, उसके बाद में अगर हम वहाँ पर गए उतना अच्छा हमको चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी बताइए कि कोई सा भी ट्रेवलर हो या फिर टूरिस्ट हो, हैज़ नोन एट द समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानता हो, थोड़ा बहुत जानता हो, और उसने कभी उस चीज़ को देखा ना हो, और अदर्स द थैंक्स द डिसअपॉइंट एंटीसिपेशन एंड द प्लेजर्स ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, और उसको जितनी वो उतने ज़्यादा प्लेजर नहीं मिलेगा, जबकि जबकि कोई एक ऐसा इंसान या ऐसा टूरिस्ट हो जिसने किसी स्थान के बारे में ना ही सुना हो, वो एकदम से उसको अचानक से जा कर के देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं और सुंदर लगती हैं, ठीक है, तो साथ साथ दो चीज़ें घटित होती हैं, ऑकर्स वाइल्ड फॉर द डिसअपॉइंटमेंट इन द एंटार्टिक ओशियंस एंटार्टिक ओशियंस एंड द अदर्स मैन हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन द ताजमहल को, यह सारी चीज़ें, ठीक है, मॉस्क्यू एट द कनाडा, जो भी सारी चीज़ें कही हैं कि टूरिस्ट से रिलेटेड कुछ भी सारी चीज़ें कही गई, पीपल्स विद द अर्डेंट इमेजिनेशन फ्रॉम द देमसेल्स आइडेंटिटी फॉल्स पिक्चर्स ऑफ द फेमस ब्यूटीज प्लेसेस, ठीक है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड की गई हैं कि वही सारी चीज़ें हैं कि बार बार रिपीट करी गई है कि अगर हम उस चीज़ को इतना अच्छा नहीं पाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड या निराश हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या एक और बात कही गई है यहाँ पर, इन द कोर्स ऑफ टाइम द मैन्स कर्स द ब्लाइंडनेस, जो जो एक अब उसी अंधे आदमी के बारे में बात करी गई है कि वही एक अंधा आदमी जिसको आंखें मिली थी, हो सकता है वो क्या होगा कि एकदम से आंखें मिलने पर उस बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को देखेगा और बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट फील करेगा, वो जैसे कि किसी भी चीज़ को कहीं चोरी बेईमानी देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा क्या उस चीज़ को देखकर एक्साइटमेंट फील करेगा, ठीक है, कोई चीज़ को लालच देखेगा, धूर्तता देखेगा, कहीं पर क्रूरता देखेगा तो उस सभी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करेगा, लेकिन होगा क्या बाद में वो धीरे धीरे कनिंग, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कनिंग ग्रीड एंड टूली हियर्स एंड फेसेस, लोगों के चेहरे में लोगों को देख देख के वो जीना सीख जाएगा, बाद में उसको क्या पता चलता जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, तो वो अपने आप को धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ढाल ही लेगा, ठीक है, उसके बाद वो जान जाएगा कि हर एक चीज़ भगवान के जैसे सुंदर है, क्योंकि उसने अपने मन में भगवान की केवल कल्पना करी होती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन वो जब असलियत से परिचित होगा तो वो सब चीज़ों को जानना सीख जाएगा और हर एक के साथ में एडजस्टमेंट करना सीख जाएगा, ठीक है, ऑप्शन द रेस्ट ऑफ द पीपल्स मोड, हर एक इंसान जो होता है क्या, यहाँ पर बात कही गई है, एक और चीज़ लिखी गई है कि वो हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो वो हर एक चीज़ को तैयार ना होगी, उसको ऐसा जीना पड़ेगा वैसा जीना पड़ेगा फिर ऐसा चीज़ देखनी भी पड़ सकती है, उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन सच्चाई यही रहती है कि जब तक जो भी उसने संसार में मतलब कि कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी भी के भी
अंदर की कल्पनाओं के अकॉर्डिंग नहीं बन सकते, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ की कल्पना कर लें तो हमें अपनी कल्पनाओं का संसार कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। राइटर का ये मानना है कि हमें अपनी कल्पनाओं का संसार कभी भी नहीं मिलेगा, जो भी हमने अंदर की अपनी एक्सपेक्टेशंस लोगों से लगा के रखे हैं वो चीज़ हमको नहीं मिलेगी। हमें खुद ही अपने आप को धीरे धीरे दूसरों के अकॉर्डिंग ढाल लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ हर जगह नहीं अवेलेबल मिलने वाली। तो एक छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। अगर अब आप जाकर के इसको जो भी है इसको जाकर के आप पढ़ेंगे, जाकर अपने जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट वगैरह है जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आई होप कि आपको इस बहुत ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ लेकर के आया हूँ, पूरी हर एक चीज़ की, जितनी भी BA से रिलेटेड जो कुछ भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो।